हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में देखने वाले हैं मोमेंटम के बारे में। फिर देखेंगे अपन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और फिर हमें देखना है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद बात करेंगे अपन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और सबसे पहली हेडिंग हमारी होने वाली है मोमेंटम। अपन ये समझेंगे कि मोमेंटम होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम को डिनोट किया जाता है पी से। मोमेंटम को पी से डिनोट किया जाता है। और जो मोमेंटम होता है वो किसी मूव करती हुई बॉडी का निकाला जाता है, ठीक है। मतलब हम ये बोलते हैं कि अगर किसी बॉडी का मास m है और v वेलोसिटी से वो मूव कर रही है। देखना, ध्यान से समझना, किसी बॉडी का मास m हो और वो v वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो हम ये बोलते हैं कि उसके पास मोमेंटम है। उसके पास मोमेंटम है, यानी कि हम मोमेंटम को बोल सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम बोला जाता है। और ये होता है पी इज इक्वल्स टू एम इंटू वी, ठीक है। मास एम है, वी वेलोसिटी है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एम को बोला जाता है मास, यहाँ पे एम मास है और वी यहाँ पे वेलोसिटी है, ठीक है। ये बात ध्यान रहेगी। तो ये होता है आपका मोमेंटम। अगर हम मोमेंटम के कुछ और इसके बारे में बात करें तो देखिए, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे स्केलर है। मास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसीलिए जो मोमेंटम है, देखिए स्केलर का जब वेक्टर में अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वेक्टर आता है। तो हम बोलते हैं कि जो वेक्टर है ये इसीलिए मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसको देखिए, अगर हम वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहें, जस्ट आप समझिएगा, तो हम लिख सकते हैं पी वेक्टर इज इक्वल्स टू एम वी वेक्टर। मतलब ये क्या होता है कि जिस क्वांटिटी के ऊपर अपन एरो लगा देते हैं वो वेक्टर भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये एरो उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं कि मोमेंटम की डायरेक्शन किस साइड होती है, मतलब हम इसके डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो देखिए, बोला जाएगा यहाँ पे कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, वही मोमेंटम की भी डायरेक्शन होती है, तो हम बोलेंगे कि दोनों की डायरेक्शन क्या होती है? सेम। दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए इसके यूनिट की अपन बात करें तो एक बार अब यूनिट भी देख लीजिए। तो आप सभी को पता है कि मास की यूनिट होती है किलोग्राम। अगर हम यूनिट की बात करें तो ध्यान से देखिए, जो मास होता है, मास की यूनिट होती है एम की यूनिट किलोग्राम। जो वेलोसिटी होती है वी, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो जो मोमेंटम की यूनिट हो जाएगी, इन दोनों यूनिट को यहाँ रख दीजिए, तो जो मोमेंटम की यूनिट हो जाएगी, मास के प्लेस पे रखेंगे किलोग्राम और वेलोसिटी के प्लेस पे लिखेंगे मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो मोमेंटम की यूनिट होती है इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ऐसे भी लिखा जाएगा, ठीक है। आप सबको पता है अपॉन में होता है, तो ये ऊपर जाएगा तो उसके सिर पे, अगर नीचे प्लस वन है तो ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मोमेंटम, ठीक है। अब चलिए, अगर ये सारी बातें अपने को समझ में आ गई तो अब हम बात करने वाले हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। देखिए एक्चुअल में क्या है ना कि जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसमें जब अपन फोर्स डिराइव करेंगे, फोर्स जब निकालेंगे तो मोमेंटम की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए हमने पहले मोमेंटम देख रखा है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूटन
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अपन इसकी बात कर ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला जाता है कि देखिए सबसे पहले जो अपन को प्रॉपर डेफिनेशन पता होती है हम उसकी बात कर ले रहे हैं। इसलिए दो डेफिनेशंस होती हैं। मान लीजिए कि जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ठीक है, और इसके ऊपर अगर F फोर्स लगाया जाए तो ये A के एक्सेलरेशन से मूव करेगी, एक्सेलरेट होगी, A के एक्सेलरेशन से ये एक्सेलरेट होगी, और यही होता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। चलिए देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट m मास का है, अगर उसके ऊपर F फोर्स लगाया जाता है तो वो A के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करता है, ठीक है, और यही न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये बोलते हैं कि जो फोर्स होता है यानी कि F होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर, यानी कि एक्सेलरेशन जो होता है फोर्स मतलब अप्लाइड फोर्स और उसके मास के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन होता है अप्लाइड फोर्स अपॉन मास, ठीक है, इसके रेशियो के बराबर होता है एक्सेलरेशन, और यही होता है F इज इक्वल टू एम ए या A इज इक्वल टू एफ बाई एम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एक इसी चीज़ को प्रूफ किया जाता है दूसरे तरीके से, अपन दूसरे तरीके से देखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अब चेंज ऑफ मोमेंटम को लेके, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो एक्चुअल में यही होता है कि चेंज इन मोमेंटम। अब यहाँ पे देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m हो वो v1 वेलोसिटी से चल रहा है या फिर हम बोल देने u से चल रहा है, ठीक है, और क्या होता है ना कि कुछ समय बाद जो इसका मोमेंटम होता है वो बदल जाता है, मास तो वही रहता है लेकिन अब स्पीड v हो जाती है, ठीक है, पहले स्पीड u थी बाद में स्पीड v हो जाती है। तो ऐसा क्या हुआ है कि पहले स्पीड दूसरी थी और बाद में स्पीड दूसरी हो गई, तो इसका रीज़न क्या है? तो हम ये बोलते हैं कि अगर u से v में कन्वर्ट होना है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा अलग से, और हमें वही फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, वही फोर्स कैलकुलेट करना है। क्योंकि देखिए कारण ये है कि बिना फोर्स लगाए इसकी स्पीड को आप बदल ही नहीं सकते। जब भी आपको किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बदलनी हो तो आपको हमेशा उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगना चाहिए, ठीक है। जैसे फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स में क्या होता है कि जैसे आपने किसी ऑब्जेक्ट को धक्का दिया, ऑब्जेक्ट धीरे 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 चलते चलते एक समय के बाद रेस्ट में आ जाता है या उसकी स्पीड कम होने लगती है। रीज़न क्या है कि उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसका नाम होता है फ्रिक्शन फोर्स, और वो जिधर ऑब्जेक्ट मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी ये बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि कब जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या स्पीड चेंज होती है इसके इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए समझिए, यहाँ पे हम बात कर देते हैं यहाँ पे कि जो मोमेंटम है इनिशियल, यानी कि हम बात कर रहे हैं इनिशियल मोमेंटम के। अब इनिशियल मोमेंटम को हम PI से दिखा देते हैं, ठीक है। PI ये होता है मास इनटू वेलोसिटी यहाँ के। अब हम यहाँ पे बोल दे रहे हैं कि ये है फाइनल मोमेंटम। व्हाट फाइनल मोमेंटम, और इसको हम दिखा देते हैं P फाइनल से, और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा मास इनटू यहाँ का मास और यहाँ की वेलोसिटी, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल मोमेंटम। अब हम बात करने वाले हैं चेंज इन मोमेंटम के बारे में, चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब है अब इसको समझिएगा। चेंज इन मोमेंटम को हम पी से दिखाएंगे या फिर इसको डेल पी बोल देंगे। चेंज इन मोमेंटम को क्या बोल देंगे, डेल पी इज इक्वल्स टू
फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये होता है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डेल पी इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम का मतलब पी फाइनल, और इनिशियल मोमेंटम का मतलब पी इनिशियल। ठीक है, तो यहाँ से डेल पी इज इक्वल्स टू आ जाएगा, पी फाइनल की बात करें तो ये मास इनटू वेलोसिटी यानी एम वी दिया है, माइनस पी इनिशियल की बात करें तो ये मास इनटू वेलोसिटी ये दिया है। ठीक है, तो जो चेंज इन मोमेंटम है वो एम वी माइनस एम यू के बराबर है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो अब यहाँ पे देखिएगा, चेंज इन मोमेंटम आ गया कि जो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम शुरुआत में एम यू था और फाइनली एम वी हो गया, और चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम यानी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, फाइनल मोमेंटम की वैल्यू एम वी है, इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू एम यू है। ठीक है, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं ना कि डिवाइड करते हैं दोनों तरफ से टी से यानी डेल टी से। ठीक है, ये तरीका है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे डिवाइडेड बाई डेल टी, हम दोनों तरफ डेल टी से डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये डेल पी था, जब डेल टी से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा डेल पी बाई डेल टी इज इक्वल्स टू एम। यहाँ से आप चाहो तो मास कॉमन ले सकते हो, तो मास कॉमन ले लिया तो v माइनस यू बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे m तो आ गया, यहाँ पे लिखोगे आप कि v माइनस यू अपॉन यहाँ पे डेल टी, ये लिख दोगे। ठीक है, अगर आपको याद हो तो ये एक्चुअल में दिया गया है, अगर हम इतने पार्ट की बात करें कि m ये v माइनस यू अपॉन डेल टी, ये चीज़ क्या दिया गया है, तो देखिए ये एक्चुअल में चेंज इन वेलोसिटी है। क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी, और ये है टाइम यानी डेल टी। तो देखिए ये क्या होता था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर आपको याद हो मोशन चैप्टर आपने देखा है तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें अपने को देखने को मिली थी कि जो होता है डेल वी बाई डेल टी की अगर बात करते हैं, डेल वी बाई डेल टी की बात अगर करते हैं तो ये एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि ये है रेट ऑफ चेंज, ये जो दिया गया है ना ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए डेल पी बाई डेल टी जो दिया है उसको हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि डेल वी बाई डेल टी के प्लेस पे हम ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसके अगर हम एम ए की बात करें तो एक्चुअल में हम जानते हैं कि ये फोर्स होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स होता है। तो देखिए अगर हम मोमेंटम के फॉर्म में फोर्स के डेफिनेशन की बात करें तो हम कहेंगे कि ये जो लिखा है ना ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और इसी को हम बोल देते हैं फोर्स। ठीक है, तो हम ये याद रखेंगे कि ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, आगे लिख सकते हैं इज कॉल्ड व्हाट, फोर्स। ये बात आपको मेरी समझ में आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे ये चीज़ समझिएगा कि यही चीज़ होता है चेंज इन मोमेंटम या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसको फोर्स भी बोला जाता है। तो बेटा आपको ये डेफिनेशन अच्छे से याद रखनी है और ये फॉर्मूले भी आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, तो इन चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान रखिए और आगे समझिएगा। आगे क्या समझना है, आगे आपको ये ध्यान रखना है कि जो फोर्स होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी डेल पी बाई डेल टी, और ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। ठीक है, तो जो फोर्स होता है वो यही होता है, अब इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में ये चीज़ देखा कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, अब चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड, और इसे समझते हैं कि कैसे इन एग्जांपल्स को किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और अपन समझ लेते हैं यहाँ पे
कि एक्चुअल में इस सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें एक्सेलरेशन मिलता है। लेकिन अगर बात करें फोर्स है, फोर्स है एम इंटू ए, तो इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो मास है, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, ठीक है, और एक्सेलरेशन की यूनिट अगर आपको याद हो तो ये होता है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। इसे यहाँ पे पुट करिए तो जो फोर्स है, मास के प्लेस पे रखेंगे किलोग्राम, एक्सेलरेशन के प्लेस पे रखेंगे मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो एक्चुअल में जो इसकी यूनिट है वो आ जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। और इसी को बोला जाता है न्यूटन, इसी को क्या बोल देते हैं, न्यूटन बोल देते हैं, डिनोट किया जाता है एन से। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है उसका नाम, दूसरा नाम न्यूटन भी होता है, और जो फोर्स की यूनिट होती है हम ये भी बोलते हैं और ये भी बोलते हैं। कभी भी बोले आपसे कि बेटा आप फोर्स की यूनिट बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर या फिर न्यूटन, ये बोलेंगे आप। बात समझ में आ रही है? चलिए अगर हम आगे की बात करें तो आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि बस बेटा आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि वन न्यूटन बराबर होता है, वन न्यूटन बराबर होता है वन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये होता है। या फिर हम ये बोलते हैं, एक चीज़ और याद रखिएगा कि वन न्यूटन बराबर होता है 10^5 डाइन। क्या होता है? 10^5 डाइन। अब ऐसा क्यों होता है अब ये समझिएगा, थोड़ा सा बस लेवल अपन बढ़ाते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं तो यूनिट को दो तरीके से मेजर किया जाता है, एक तो होता है SI यूनिट और दूसरा होता है CGS यूनिट, ठीक है। SI यूनिट की बात करें तो हम लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, SI यूनिट में ये होता है, ठीक है। लेकिन अगर CGS में बात करें तो किलोग्राम के प्लेस पे ग्राम हो जाता है, तो ग्राम मीटर के प्लेस पे हो जाता है सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड के प्लेस पे सेकेंड ही रहता है, ठीक है। तो CGS यूनिट की बात करें तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, अगर SI यूनिट की बात करें तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होता है। अब देखिए इसी का नाम होता है न्यूटन, मतलब दूसरी जो यूनिट होती है इसको बोला जाता है न्यूटन, और यहाँ पे जो होता है यूनिट उसको बोला जाता है डाइन। व्हाट? डाइन, ठीक है। तो वन न्यूटन कितने डाइन के बराबर होती हैं? 10^5 डाइन के बराबर होती हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अपन अब इसमें कुछ एग्जांपल्स की अगर बात करें तो देखिए, जैसे गेंद को आप फेंकते हैं तो गेंद पहले रेस्ट पे होता है, हाथ में जो गेंद होती है पहले रेस्ट पे होता है, और जब उसको ऊपर फोर्स लगाया जाता है तो वो एक्सेलरेट करता है। क्यों? क्योंकि पहले उसकी स्पीड ज़ीरो थी लेकिन बाद में उसकी स्पीड कुछ बढ़ी है, फिर उसकी स्पीड धीरे 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 करते करते कम भी हो जाती है, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जाता है तो वो हमेशा एक्सेलरेट करेगी, एक्सेलरेट करेगी, ठीक है। जैसे आप फुटबॉल को आप किक मारते हैं तो पहले वो रेस्ट में होता है, बाद में वो मूव कर रहा होता है, तो जब भी वो मूव करेगा तो वो एक्सेलरेट ज़रूर करेगा, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को आप ध्यान रखिएगा। अब हम कुछ इसमें एग्जांपल की बात कर लें कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात कर लें, तो चलिए ठीक है अपन इसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं। तब तक आप इसे कॉपी करिए। हो गया? चलिए ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, ठीक है, और इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, बट आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि क्या क्या है। देखिए अब हम लिखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो इसके ऊपर बात करेंगे, तो ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ
मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात अपन कर लेते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है क्या, ठीक है, इसके ऊपर अपन कर लेते हैं। तो देखिए, अगर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो इसको बोला जाता है एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर, या फिर अपन इसको एक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं, कि जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है वो एक्चुअल में एक्शन रिएक्शन होता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से, या न्यूटन्स ने अपने थर्ड लॉ में ये बोला था कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, ठीक है। जैसे समझिएगा कि अगर मैं इस बोर्ड को ऐसे धक्का दे रहा हूँ तो ये बोर्ड भी इस हाथ को इधर की तरफ धक्का दे रहा है, आपको महसूस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक देखिए, ग्राउंड के ऊपर जब अपन चलते हैं, ग्राउंड के ऊपर इस तरीके से अपन चलते हैं तो देखिए लास्ट में क्या होता है कि जब हमें अपना कदम आगे बढ़ाना होता है तो जो आगे की उंगलियाँ होती हैं ना, वो उंगलियों की हेल्प से हम ग्राउंड पे प्रेस करते हैं, ग्राउंड पे प्रेस करते हैं। तो जब ग्राउंड पे प्रेस करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि हम फोर्स को, हम अर्थ को पीछे की तरफ धक्का दे रहे होते हैं। ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। हम एक्शन रिएक्शन के हिसाब से अगर ग्राउंड पे आप चलते हैं, ज़मीन पे चलते हैं, तो आपको ना जब कदम आगे बढ़ाना होता है तो पैर ना ऐसे होते हैं इस तरीके से, फिर आपको पैर ऐसे करना होता है, आप महसूस करिएगा। फिर जब आप आगे की जो उंगलियां हैं उनकी हेल्प से आप अर्थ को पीछे की तरफ धक्का देते हैं, और ये अर्थ क्या करती है, आपको आगे की तरफ धक्का देती है, ठीक है, ये समझिएगा। अब आप कहेंगे कि अर्थ भी धक्का देती है, हाँ, अगर आप पढ़े लिखे इंसान बनना चाहते हैं तो बहुत चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी कि ऐसा होता है, और ऐसा बच्चों आपको अभी मानना पड़ेगा कि ऐसा होता है, ठीक है। और नहीं, अगर आपको समझ में चीज़ें आ रही हैं तो आप एक बार चल के महसूस करिएगा कि आप ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाते हैं अपने पैर से, मतलब ग्राउंड को आप पीछे की तरफ धक्का दे रहे होते हैं, तो एक्शन रिएक्शन के हिसाब से ग्राउंड आपको आगे की तरफ धक्का देगी। उसी तरीके से आप समझिए, जैसे स्विमर क्या होता है, जब स्विमिंग करता है तो पानी को ऐसे पीछे की तरफ धक्का देता है, पानी को ऐसे पीछे की तरफ धक्का देता है, तो जितने फोर्स से पानी को वो पीछे धक्का देता है, पानी क्या करती है, उतना ही फोर्स लगा के आपको आगे धक्का देती है, ऐसा होता है, ठीक है। ये भी एक एक्शन रिएक्शन का एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। आप नाव की बात करिए, बोट की बात करिए, अगर आप कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पे देखेंगे कि जब किनारे पे आपको उतरना होता है ना, तो आप ना नाव से कूदते हैं, ग्राउंड पे आप कूदते हैं तो नाव पीछे की तरफ जाती है, ऐसा महसूस आपने किया होगा। अगर नहीं किया है तो महसूस करिएगा कि जब पानी में ऐसे नाव होती है, ठीक है, और जब आप इससे ना ग्राउंड पे कूदते हैं तो क्या होता है कि नाव थोड़ा पीछे जाती है, और नाव पीछे जाती है मतलब पैर से आप नाव को पीछे की तरफ धक्का देते हैं और नाव आपको आगे की तरफ धक्का देती है, तभी आप किनारे उतर पाते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। अब समझिएगा, इसमें रॉकेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें भी एक्शन रिएक्शन का खेल चलता है। उसमें होता क्या है ना कि जो रॉकेट होती है उसमें जो फ्यूल होता है वो जब जलता है तो रॉकेट उस फ्यूल को नीचे की तरफ धक्का देती है बहुत तेज़ी से। आप रॉकेट लॉन्चर लॉन्च होता है ना, तो आप ये टीवी वगैरह पे प्रोग्राम कभी आता है आप उस चीज़ को देखिएगा, या फिर आज के ज़माने में आपके हाथ में मोबाइल है तो आप इसकी हेल्प से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या होता है। तो जब उस रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो वहाँ पे ना नीचे आप देखेंगे बहुत सारा धुआं निकलता है। तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि वो क्या करता है, जो धुआँ होता है उसका, वो सरफेस के ऊपर बहुत तेज़ी से फोर्स लगाती है, ठीक है, सरफेस के ऊपर बहुत तेज़ी से फोर्स लगाती है, यानी बहुत तेज़ी से क्या होती है कि जो रॉकेट होता है वो धुएं के ऊपर बहुत तेज़ी से फोर्स लगाता है नीचे की तरफ या पीछे की तरफ फेंकता है, तो धुआं भी क्या करता है, उस रॉकेट को आगे की तरफ फेंकता है। अब आप कहेंगे कि धुआं तो इतना हल्का होता है ये कैसे फेंक सकता है, हाँ ऐसा होता है। आप धुएँ की बात मत करिए, आप जैसे समझ लीजिए कि जब बाढ़ वगैरह आती है तो आप कहेंगे पानी में कितना दम होता है,
लेकिन पानी बहुत सारे बांधों को भी तोड़ देती है, ठीक है, रोड का तहस नहस कर देती है। जिस रोड को हमें बनाने में, जो मतलब कि गवर्नमेंट बनवाती है, उसको बनवाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जैसे ही बाढ़ आती है उसके पानी में इतना धार होता है, इतना फोर्स होता है कि वो ना एक मज़बूत गिट्टी की अगर बनी हो सड़क, या फिर बहुत अच्छी मिट्टी की सीमेंट के बनी हो, उस पर भी देखेंगे कि वो इफ़ेक्ट डाल देती है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि पानी में दम नहीं होता, धुएं में नहीं दम होता, दम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बस ये डिपेंड करता है कि उसका मास कितना, उसकी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, वो कितने तेज़ी से आ रहा है, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है? तो ये था आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो एक्चुअल में आप क्या याद रखेंगे कि जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो एक एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, वो एक एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। हम इसमें कुछ एग्जांपल्स की और बात करने वाले हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल इसमें और समझेंगे अपन कि एक्शन रिएक्शन में क्या है। तो देखिए, अगर हम स्प्रिंग को ले लें, जैसे हम मान लीजिए वॉल से था, ये होता क्या है कि स्प्रिंग के ऊपर जब आप प्रेस करते हैं, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर दबाव डालते हैं, तो स्प्रिंग कॉम्प्रेस होती है। और आप देखेंगे ना कि स्प्रिंग को आप ऐसे दबाए रखते हैं, तो स्प्रिंग जब कॉम्प्रेस होती है तो कॉम्प्रेस आपने फोर्स लगा के किया, लेकिन हमेशा आप देखेंगे कि आपको फोर्स लगा के दाबे रखना होता है, ठीक है, लेकिन स्प्रिंग भी उसके आपके ऊपर फोर्स लगा रही होती है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब आप इस स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, मतलब आप कर रहे हैं एक्शन, क्या कर रहे हैं एक्शन, तो स्प्रिंग भी आपके ऊपर पीछे की तरफ धक्का लगा रही होती है और यही होता है इसका रिएक्शन। तो आप देखिए एक चीज़ और समझिएगा, एक्शन रिएक्शन आप और देखते हैं घर में देखते हैं कि मान लीजिए आपने अपने भाई को मारा, ठीक है, भाई थोड़ा हम उम्र है तो भाई भी आपको पलट के ज़रूर मारता है, ऐसा होता है। अगर सिस्टरों में हो तो क्या होता है घर में कि एक सिस्टर अगर दूसरी को मारी तो पता चलता है कि वो भी पलट के ज़रूर मारा जाता है, ऐसा होता है। तो एक्शन का रिएक्शन हमें अपने घरों में भी देखने को मिलता है और रियल लाइफ में भी आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे एक्शन रिएक्शन के, ठीक है। अब देखिए हम बात करने वाले हैं, एक्शन रिएक्शन तो हमको समझ में आ गया, सारी चीज़ें समझ में आ गई, अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में, ठीक है। हम ये जानेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता क्या है। तो देखिए, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करें तो हम कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो अगर किसी भी स्पीड से चल रहा होता है, लेकिन आप उसके ऊपर ना फोर्स लगाना बंद कर दीजिए, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो कंजर्व हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसका जो मोमेंटम रहेगा वो कंजर्व हो जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आखिर है क्या। एक मिनट, चलिए समझिएगा, हम बात करने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की अपन बात करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये चैप्टर आज हमारा ख़त्म हो जाएगा, फोर्स और लॉज ऑफ मोशन में इतना ही था, बहुत ज़्यादा नहीं है, ये हमारा लास्ट है। अब यहाँ पे आप समझिएगा कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है क्या। जैसे मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास एम है, ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कुछ समय बाद इसकी स्पीड जो हो गई थी वो v हो गई थी, ठीक है। अब देखिए ये हो गया है, अब आप समझिएगा हुआ क्या है इसमें कि ये इससे इसमें कन्वर्ट हुआ है, लेकिन हम कुछ चीज़ें और देखना चाहते हैं कि इसको और इसको बराबर रखना है, मतलब कि जो इनिशियल मोमेंटम है और फाइनल मोमेंटम है वो बराबर हो जाए। तो ये तभी बराबर होता है जब नेट फोर्स ज़ीरो हो जाता है,
एफ नेट की वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाए, या हम बोल सकते हैं ऐसा कि एफ एक्सटर्नल, मतलब जब एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो जाए तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, तो आप समझिएगा, ये आप ध्यान रखिएगा कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगना बंद हो जाता है तो उसका मोमेंटम कंजर्व हो जाता है, उसका मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो F होता है वो डेल P बाई डेल T होता है, पीछे आपने देखा था। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं M, इसे हम बोल सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन डेल T, ये बोल सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं M इंटू वी, फाइनल मोमेंटम को क्या बोलेंगे, M इंटू वी इज इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम को बोल देंगे एम यू। ठीक है, ये बोल देंगे, हमें M से M कट नहीं करना है, आप बस ध्यान रखिएगा, या फिर आप इसको अभी हटा दीजिए, बस इसको ध्यान रखिए। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि F, ये F एक्सटर्नल, एक्चुअल में ये होता है F एक्सटर्नल या F नेट इज इक्वल टू डेल P बाई डेल T। हम बोल दे रहे हैं यहाँ पे जो F एक्सटर्नल है वो ज़ीरो हो जा रहा है, F एक्सटर्नल क्या हो जा रहा है, ज़ीरो। तो जब F एक्सटर्नल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे, तो ज़ीरो इज इक्वल टू डेल P बाई डेल T या P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन डेल T, ये बोल सकते हैं अपन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, ज़ीरो हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ज़ीरो में अपन डेल T से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा P फाइनल माइनस P इनिशियल, ये आ जाएगा। ज़ीरो का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज ज़ीरो आता है, इज इक्वल्स टू P फाइनल माइनस P इनिशियल, ये आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करिए, इसको इस साइड भेज दीजिए, तो लिखेंगे P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल। ठीक है, और जब ये बोला जाता है हम ये यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये लिखा है इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। अगर और हम इसकी बात करें तो ये बोला गया है फाइनल मोमेंटम। ठीक है, तो जब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपस में बराबर हो जाते हैं तो हम बोलते हैं यहाँ पे कि इनका मोमेंटम कंजर्व रहता है। मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व। तो बेटा आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, ध्यान क्या रखना होगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है तो उसका जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा, मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात करें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, रिकॉइल ऑफ गन, जो गन से बुलेट निकलती है तो वहाँ पे भी हमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को देखना होता है। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या है, जैसे हम एग्ज़ाम्पल की बात कर रहे हैं कि कहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखने को मिलता है, तो देखते हैं रिकॉइल ऑफ गन कि मतलब जब गन से बुलेट निकलती है तो यहाँ पे देखने को मिलता है। आप ध्यान से समझिएगा, होता क्या है कि ये आपकी, अरे ऐसा ही मान लीजिए ये रहा आपकी गन। ठीक है, अरे वो कृपया दिल पैनल है, ये इस टाइप की कोई गन है, अरे चलो ठीक है, इसमें एक बुलेट है। ठीक है, और आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता है कि बुलेट और गन दोनों रेस्ट में होते हैं, किस में होते हैं, शुरुआत में रेस्ट में होते हैं, लेकिन जब गन से बुलेट फायर की जाती है तो देखने को ये मिलता है कि ये जो गन है, ये जो आपकी गन है, ये क्या करता है ना कि पीछे की तरफ धक्का लगता है, आपने देखा होगा पीछे की तरफ धक्का लगता है और बुलेट जो है वो आगे मूव कर जाती है, ये होता है। हम मान लेते हैं कि यहाँ से V1 स्पीड से पीछे गया है और ये V2 स्पीड से आगे गया है, यहाँ पे गन का मास कैपिटल M मान लेते हैं, बुलेट का मास स्मॉल m, तो इसका मास कैपिटल M और इसका मास स्मॉल m हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ पे समझिएगा,
अगर हम शुरू की बात करें कि शुरू में मोमेंटम, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा कि जब बंदूक से गोली चलती है ना, तो बंदूक हमेशा पीछे की तरफ आती है, मतलब एक झटका लगता है और वो ना पीछे की तरफ फोर्स लगाती है। बंदूक से जैसे गोली निकलती है तो पीछे की तरफ वो धक्का देती है, तो आपको क्या करना होता है, मजबूती से बंदूक को पकड़ना होता है। हल्के में आप बंदूक नहीं पकड़ सकते, नहीं तो पता चले सामने वाले को गोली मारनी है, सामने वाले को तो गोली मारे ही मारे और साथ में अपने भी गए, ठीक है, तो ये नहीं करना होता है। तो जब भी बंदूक चलाने की बात आई, मतलब डॉन सॉन बनिएगा, तो पहले इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा कि अगर बंदूक से गोली निकलती है तो बंदूक पीछे की तरफ आती है, ठीक है, झटका लगता है। तो ये ऐसा, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, तो देखिए ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के कारण ऐसा होता है। होता क्या है कि शुरू में दोनों रेस्ट पे थे, जैसे ही आपने ट्रिगर दबाया तो ये तुरंत पीछे की तरफ आती है और ये आगे की तरफ आती है, और यहाँ पे बाय द वे आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है, बस आपने वो ट्रिगर दबाया है, इतना ही बस किया है, लेकिन आपने उसको आगे पीछे नहीं किया है। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, ज़ीरो, और एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होने के कारण ये तामझाम देखने को मिलता है। तो आप समझिएगा यहाँ पे, अगर हम बात करें शुरू में मोमेंटम की, पी इनिशियल की, तो शुरुआत में बोलेंगे कि दोनों का मोमेंटम का सम कर देंगे, तो मास इनटू जो गन है उसकी शुरुआत में वेलोसिटी कितनी है, ज़ीरो, बुलेट है उसके भी शुरुआत में वेलोसिटी ज़ीरो है, तो एम इंटू ज़ीरो कर देंगे, प्लस इस बुलेट का मोमेंटम तो इसका मास इंटू बुलेट की वेलोसिटी, ओवरऑल पी इनिशियल की वैल्यू क्या आ जाती है, ज़ीरो के बराबर, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे पी फाइनल की, तो बेटा आप ध्यान से देखिएगा, पी फाइनल की बात करें तो इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी वन, इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी वन। अब ध्यान से देखिएगा, हम क्या करेंगे कि इधर जाती हुई चीज़ की जो वेलोसिटी होगी उसके पॉजिटिव में रखेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव में रखेंगे। तो आप देखिए ये गन, मैं आपको बता रहा हूँ कि गन पीछे की तरफ जाती है, तो गन किधर जा रही है, पीछे की तरफ, तो इसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, माइनस वी टू, ये माइनस, सॉरी माइनस वी वन होगा क्योंकि ये निगेटिव है, तो वी के प्लेस पर माइनस वी वन रखेंगे, प्लस m इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी टू, आगे की तरफ है तो ये आ जाएगा। p फाइनल की बात करें तो माइनस m वी वन प्लस स्मॉल m वी टू, ये आ जाएगा p फाइनल, ठीक है। लेकिन हमें पता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हिसाब से, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि p इनिशियल और p फाइनल आपस में क्या होते हैं, बराबर, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हिसाब से पी इनिशियल और पी फाइनल आपस में बराबर होते हैं। तो पी इनिशियल की बात करें तो ये ज़ीरो है, देखिए ये ज़ीरो है, लेकिन पी फाइनल की बात करें तो माइनस एम वी वन प्लस एम वी टू, ये दे रखा है, ठीक है। इसको हम लेके आएंगे इस साइड, तो ये बन जाएगा कैपिटल एम इंटू वी वन इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू वी टू, और ये हो जाएगा रिक्वाइल ऑफ गन का, मतलब कि गन और बुलेट के लिए ये मोमेंटम आ जाएगा, और ये दोनों का मोमेंटम क्या होगा, बराबर। एग्जांपल यानी क्वेश्चंस में आपको कैसे पूछा जाएगा, दोनों का मास गिवेन है, बोल रहा है कि जब बुलेट को फायर किया जाता है तो बुलेट की कुछ स्पीड से जाती है आगे की तरफ, तो बताइए कितनी स्पीड से गन पीछे की तरफ धक्का देगी, झटका कितनी स्पीड से देगी, ठीक है, ये है। तो देखिए सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, और अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप पे आप अपने डाउट्स हमें भेज सकते हैं। और बच्चों आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है, और हम यहीं पे आज की सभा समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कुछ और भी चीज़ें देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे कुछ बेस्ट कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे, और इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।